प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का किया जारी। राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार कल। रायपुर के पुलिस परेड मैदान में नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह की चल रही है तैयारियां। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 42 और भारतीय वन सेवा के 5 अधिकारियों के प्रभार बदले गए। और सीबीएसई हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा की समय सारणी घोषित। 10वीं की 21 और 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वाजपेयी जी लगभग एक दशक से सार्वजनिक जीवन से अलग थे, लेकिन उनके निधन के बाद लोगों ने जिस प्रकार अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, उससे पता चलता है कि वे लोगों के बीच कितने प्रिय और प्रशंसनीय व्यक्तित्व वाले थे। श्री मोदी ने कहा कि अटल जी का जीवन अगली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। अटल जी हमारे बीच नहीं है, ये बात हमारा मन मानने को तैयार नहीं होता है। शायद ही ऐसी कोई घटना हुई हो कि किसी व्यक्ति का राजनीतिक मंच पर 8-9 साल तक कहीं नजर ना आना, बीमारी की वजह से सारी गतिविधि सार्वजनिक जीवन की समाप्त हो गई, लेकिन उसके बाद इतने वर्षों के बाद, इतने बड़े गैप के बाद, एक प्रकार से सार्वजनिक जीवन में एक पीढ़ी बदल जाती है, लेकिन उनकी विदाई को जिस प्रकार से देश ने आदर दिया, सम्मान दिया, देशवासियों ने उनकी विदाई को महसूस किया, यही उनके जीवन की सबसे बड़ी तपस्या का प्रकाश पुंज के रूप में हम अनुभव कर सकते हैं। और इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, वित्त मंत्री अरुण जेटली, भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि कल श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केंद्र सरकार पाठ्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से कम कर रही है ताकि छात्रों को अनुभवगत शिक्षा, खेल और जीवन कौशल के लिए जरूरी समय मिल सके। उन्होंने पुणे के समीप एक स्कूल के कार्यक्रम में कहा कि सरकार इस साल पाठ्यक्रम को 10% और अगले वर्ष 20% तक कम कर रही है ताकि बच्चों को अनुभवगत शिक्षा, खेल और जीवन कौशल के लिए आवश्यक समय मिल सके। श्री जावड़ेकर ने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत पुस्तकालयों के लिए किताबें और खेल उपकरण खरीदने के लिए 5,000 रुपये से 25,000 रुपये तक का विशेष अनुदान 11 लाख से अधिक स्कूलों को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों को समुचित ढंग से आधुनिक विज्ञान से परिचित कराने के लिए पूरे देश में लगभग 3,000 अटल टिकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। प्रदेश में राज्य मंत्रिमंडल का कल विस्तार किया जा सकता है। राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 10 नए मंत्रियों को शपथ दिलवाएंगी।
कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार के लिए पार्टी हाईकमान ने हरी झंडी दे दी है। मंत्रियों के नामों की सूची को भी अंतिम रूप दिया जा चुका है। हालांकि अभी शपथ ग्रहण लेने वाले मंत्रियों के नामों की अधिकृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दो दिन पहले अपने दिल्ली प्रवास के दौरान पार्टी के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं के साथ मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा की थी। बताया गया है कि मंत्रियों के नामों की सूची लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया रायपुर आएंगे। रायपुर रेंज के आईजी दीपांशु काबरा ने बताया कि मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं। बजे शपथ ग्रहण है और उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर मंच है। मंच के अलावा वीआईपीस की एंट्री, उनके लिए कहाँ से आएंगे माननीय गवर्नर महोदया, कहाँ से आएंगी सीएम साहब और उनके सारे कार्केट्स कहाँ से आएंगे, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। जनरल पब्लिक उनकी उनका कैसा मूवमेंट है और इस पूरे एरिया को उस हिसाब से हम तैयारी करवा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ दो मंत्रियों टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू को शपथ दिलवाई गई थी। फिलहाल मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं किया गया है। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी किया जाएगा। और वहीं राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 42 और भारतीय वन सेवा के 5 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल कर दिया है। इस फेरबदल में एक संभागीय कमिश्नर और 6 जिलों के कलेक्टरों को भी प्रभावित हुए हैं। समाज कल्याण विभाग के संचालक डॉक्टर एस के अलंग को बिलासपुर कलेक्टर बनाया गया है। वहीं टोपेश्वर वर्मा को दंतेवाड़ा कलेक्टर, यशवंत कुमार को रायगढ़ कलेक्टर, सुनील कुमार जैन को महासमुंद कलेक्टर, पदुम सिंह एल्मा को नारायणपुर कलेक्टर और नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर को जशपुर कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया गया है। इसी तरह एके टोप्पो को सरगुजा संभागीय कमिश्नर की जवाबदारी सौंपी गई है। मंत्रालय में पदस्थ अपर मुख्य सचिव आरपी मंडल को गृह जेल और परिवहन विभाग का प्रभार सौंपा गया है। वहीं अपर मुख्य सचिव सीके खेतान को वर्तमान दायित्वों के साथ साथ योजना, आर्थिक, सांख्यिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त जिम्मा भी सौंपा गया है। कृषि उत्पादन आयुक्त एस के कुजूर को वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ वाणिज्य और उद्योग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि अपर मुख्य सचिव अमिताभ जैन के पास अब केवल वित्त विभाग का प्रभार रहेगा। इसके अलावा अन्य आईएएस अधिकारियों के प्रभार भी बदले गए हैं। भारतीय वन सेवा के 5 अधिकारी पीसी मिश्रा, संजय शुक्ला, सुधीर अग्रवाल, वी रामाराव और संजय ओझा की सेवाएं वन विभाग को लौटा दी गई हैं। राजनांदगांव पुलिस ने माओवादियों के शहरी नेटवर्क का संचालन करने वाले एक बड़े सहयोगी को गिरफ्तार किया है। दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक जीपी सिंह ने बताया कि राजनांदगांव पुलिस ने बाग नदी क्षेत्र से जिले में प्रवेश करने के दौरान शहरी सहयोगी मूर्ति उर्फ एन वेंकट राव को गिरफ्तार किया है। नक्सलियों के शहरी नेटवर्क के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर को, जिसका नाम नक्सलियों के ऑर्गेनाइजेशन में एन मूर्ति के नाम से इसको बुलाया जाता है, उसको आज अरेस्ट किया गया है। और इसका जो सही नाम है, जो आई कार्ड में है, वो एन वेंकटेश्वर राव है। और ये एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में काम करता है। और अभी जो प्राथमिक इंट्रोगेशन किया है, प्लस हमारी जो जानकारी है, जो हमारे पास ढेर सारे सरेंडर नेक्सलाइट्स है और हमारी जो अपनी जानकारियां हैं डिपार्टमेंट में, उसके अनुसार ये काफ़ी लंबे समय से इस पर्टिकुलर कार में जुड़ा हुआ है। और MMC एरिया में ये अक्सर आता है और सेंट्रल कमिटी मेंबर्स से हमेशा इसकी मुलाकात होती है। और गिरफ्तार किए गए इस माओवादी सहयोगी के पास से माओवादी साहित्य, वॉकी टॉकी और अन्य सामग्रियां बरामद की गई हैं। माओवादी सहयोगी से गहन पूछताछ जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि किसान समृद्ध होंगे तो समाज के सभी वर्गों में खुशहाली आएगी। श्री बघेल कल दुर्ग जिले के धमधा विकास खंड के ग्राम गोढ़ी में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने महापुरुषों के योगदान को याद करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए पूर्वजों के सपनों को मिलजुल कर साकार करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की 80% आबादी गांवों में बसती है, हम सबको मिलजुल कर गांव को समृद्ध करना है। श्री बघेल ने कहा कि सरकार नालों में संचित पानी के बेहतर उपयोग और जल स्तर को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाएगी, साथ ही पशुओं की नस्ल सुधार और पशुपालन विकास के लिए बेहतर पहल भी की जाएगी। इसके अलावा खेतों में रासायनिक खादों के बदले जैविक खादों के उपयोग को बढ़ावा भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा
कि व्यावसायिक बैंकों से भी किसानों के फसल संबंधित ऋण माफ किए जाएंगे। उत्पादन के आधार पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी और किसानों के उत्पाद के लिए बाजार की व्यवस्था बेहतर की जाएगी और इस कार्यक्रम में मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की आगामी परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 10वीं की परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होकर 29 मार्च तक चलेंगी, वहीं 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होकर 3 अप्रैल को खत्म होंगी। CBSE के मुताबिक इस बार बोर्ड परीक्षा की समय सारणी में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। पिछले वर्ष CBSE ने JEE मुख्य परीक्षा की वजह से 12वीं कक्षा के भौतिक विषय की परीक्षा की तिथि में बदलाव किया था। परीक्षाएं सुबह की पाली में होंगी। पहली पाली सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक की होगी। उत्तर पुस्तिका 10 बजे मिलेगी और प्रश्न पत्र 10:15 बजे परीक्षार्थियों को वितरित किए जाएंगे। परीक्षा के परिणाम जून माह के पहले सप्ताह में आने की संभावना जताई गई है। कटघोरा डोंगरगढ़ के बीच बिछाई जा रही रेल लाइन से प्रभावित किसानों ने बिना रजामंदी के जमीन अधिग्रहण के विरोध में राजनांदगांव कलेक्टोरेट के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसान जमीन अधिग्रहण के एवज में परिवार के एक सदस्य को नौकरी और उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। किसानों ने इस संबंध में जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा है। डोंगरगढ़ विकासखंड के लगभग 25 गांव से ये किसान जिला कलेक्टोरेट पहुंचे थे। किसानों का कहना है कि रेलवे द्वारा भूमि स्वामियों को अधिग्रहण की जानकारी दिए बिना जमीन लेने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, इससे आजीविका की समस्या आ रही है। रेलवे लाइन में हमारे खेती निकल रही है, भूमि निकल रही है, उसी का विषय लेकर के हम आए हैं। जो काम जारी किया गया है उसमें किसी किसान को बताया नहीं गया है कि आपका कितना जमीन निकल रहा है, कितना बच रहा है। तो हम इसलिए आए हैं कि हमको जानकारी होना चाहिए और हमारी जो जमीन निकल रही है वो कई पीढ़ियों के लिए हमारा इंतजाम है, वो गुजर बसर करने का वो हमेशा के लिए निकल रहा है। तो हमको एक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को सर्विस चाहिए और 20 गुना मुआवजा हमको मिलना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो डोंगरगढ़ वाया खैरागढ़ कवर्धा छुई गुजान वो जो रेलवे लाइन जा रहा है उसमें किसानों का अधिक जमीन अधिग्रहण हो रहा है। अधिग्रहण ऐसे हो रहा है जैसे हमारा 1 एकड़ जमीन है, लाइन बीचों बीच जा रहा है, दोनों तरफ जमीन हमारा कोई काम का नहीं है। तो हम कृषकों का कोई साधन नहीं है जीवन यापन के लिए। हमें चाहिए कि एक परिवार को नौकरी और उचित मुआवजा चाहिए। जैसे अभी हमारे मैंने सामान्य रेट में 5 लाख है, हमको कम से कम 7 गुना मुआवजा चाहिए और एक परिवार को नौकरी। और इस संबंध में ADM AK वाजपेयी ने कहा है कि प्रभावित किसानों को नियमों के तहत मुआवजा दिया जाएगा। कटघोरा से डोंगरगढ़ के बीच जो रेल लाइन का निर्माण प्रस्तावित है उसके मुआवजा आदि को लेकर किसानों में भ्रम की स्थिति है और नौकरी आदि की मांग को लेकर आज यहाँ 100-150 किसान लोग आए थे, कलेक्टर साहब से मिले थे। तो उनको आश्वासन दिया गया है कि जो रेलवे के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको बुला करके स्थिति क्लियर की जाएगी कि इस संबंध में कितना मुआवजा का प्रावधान उनके नियमों में है, नौकरी देने का प्रावधान है कि नहीं। और किसानों को इस बात के लिए आश्वस्त किया गया है कि जो भी नियमानुसार है जो नियमों में आएगा वो बराबर मुआवजा उनको दिया जाएगा और बिना स्थिति स्पष्ट हुए बिना मुआवजा दिए उनके खेतों में काम नहीं करने दिया जाएगा, ये उनको बता दिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित डोंगरगढ़ कटघोरा रेल लाइन परियोजना के लिए जिले के लगभग 50 से अधिक गाँव के हजारों किसान प्रभावित होंगे। बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा क्षेत्र में टाटा इस्पात संयंत्र के लिए जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी उन्हें उनकी जमीन जल्द ही वापस की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों से किए गए अपने वायदे के अनुरूप अधिकारियों को इसके लिए जरूरी प्रक्रिया जल्द पूरी करने और मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्ताव लाने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि संयंत्र के लिए किसानों की भूमि 2008 में अधिग्रहित की गई थी। जिन गांवों में भूमि का अधिग्रहण किया गया था उनमें लोहांडीगुड़ा तहसील के ग्राम छिंदगांव, कुम्हली, बेलियापाल, बड़ांजी, दाबपाल, बड़े परोदा, बेलर और सिरिसगुड़ा तथा तोंकापाल तहसील का ग्राम टाकरागुड़ा शामिल है। यहां अभी तक कोई उद्योग स्थापित नहीं किया गया है। और प्रभु यीशु के जन्मोत्सव का पर्व क्रिसमस कल श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। क्रिसमस को लेकर विभिन्न चर्चों में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। क्रिसमस पर चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं राजधानी रायपुर के बाजारों में क्रिसमस की तैयारियों को लेकर रौनक देखी जा रही है। लोग क्रिसमस के लिए खरीदारी करने के लिए जुटे हुए हैं।
इससे पहले मसीही समुदाय के लोगों ने यीशु जन्मोत्सव पर क्रिसमस रैली निकाली जो राजधानी के विभिन्न मार्गों से होते हुए सेंट पॉल चर्च पहुंची। इस अवसर पर विशेष आराधना का आयोजन किया गया, साथ ही कैरोल का गायन भी किया गया है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का किया जारी। राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार कल, रायपुर के पुलिस परेड मैदान में नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह की चल रही है तैयारियां। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 42 और भारतीय वन सेवा के 5 अधिकारियों के प्रभार बदले गए। और सीबीएसई हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा की समय सारणी घोषित, 10वीं की 21 और 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।